बड़ी अपडेट आगरा से है। जूता कारोबारी विजय ऊर्जा के घर से निकले हैं कुछ अधिकारी। जी हां, दो गाड़ियों में सवार होकर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी विजय आहूजा के घर से निकले हैं। किसी अन्य जगह पर छापा मारने गए हैं अधिकारी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 10 से 12 इनकम टैक्स के अधिकारी अभी घर में मौजूद हैं विजय आहूजा के। आगरा में मनु अलग के घर पर आयकर की एक और टीम पहुंची हुई है। महिला अधिकारी के साथ एक और अधिकारी घर में घुसे हुए हैं। फोन लाइन पर है हमारे साथ नितिन उपाध्याय। नितिन, और क्या जानकारी आपके पास? ये लगा अपडेट ये है कि 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और तीनों कारोबारियों के यहाँ इस समय टैक्स की जो रेड है वो लगातार जारी है। और जानकारी ये भी मिली है कि जो विभव नगर में आगरा में केनरा बैंक का जो ऑफिस है वहाँ इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स है वो पहुँचते हैं और जो लॉकर हैं उनको सीज करने का उन्होंने आदेश दिया है। तो इनकम टैक्स की धारा आईटी एक्ट की 132 से ये रेड चल रही है। और ऐसे में चूंकि पहले विजय आहूजा घर पे खाने के डिब्बे और पैकेट भी पहुंचे हैं तो हो सकता है कि ये रेड है वो लंबी चले। और जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको चेक किया जा रहा है, ज्वेलरी की क्या डिटेल्स है वो देखी जा रही है। इसके साथ ही जो तमाम जो कहा जाए ट्रांजेक्शन हुए हैं वो डिटेल्स चेक की जा रही है। अब पूजा हो या मानसी चंद्रा हो, उनकी जो भी घर है, उनकी ऑफिस है और जो प्रतिष्ठान समय लगातार रेड चल रही है। अजय चौधरी का भी लगातार जो कनेक्शन है वो भी आगरा में स्टेब्लिश हो रहा है। विजय आहूजा की कई सारी कंपनियां हैं उसमें अजय चौधरी का बताया जा रहा है कि वो पार्टनर है। ऐसे में इतना ये कि क्या इनकम टैक्स के हाथ में क्या ऐसा महत्वपूर्ण डिटेल्स मिलती है उनको सुराग लगता है जिसमें जो लगातार कर चोरी का जो अंदेशा है वो एस्टेब्लिश हो पाए। क्योंकि मन्नू अलग है अखिलेश यादव के, कहा जाए पिछले 15 साल से वो अखिलेश यादव के टच में है और जब अखिलेश यादव एक्टिव राजनीति में कदम पहले भी उनके क्लोज ग्रुप के साथ है। तो मन्नू अलग के साथ ही जो अजय चौधरी का विजय आहूजा के साथ पार्टनरशिप है, ओम एक्सपोर्ट में वो विजय आहूजा के पार्टनर है, आहूजा इंटरनेशनल और सीएस लेदर करके उनकी कंपनी है। इसके साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो तमाम न केवल तमाम डिटेल्स चेक की जा रही है वहीं बैंकों में जो लॉकर्स हैं या अकाउंट है उसकी भी डिटेल्स खंगाली जा रही है। और ऐसे में ये कि जब युद्ध का मैदान हो तो अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए साम दाम दंड भेद और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की स्थिति है, यानी मनोवैज्ञानिक तौर पर किस तरह से किसी भी बड़े लीडर के जो लेफ्ट और राइट हैंड्स हैं उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया जाए तो जब युद्ध की स्थिति में सीधे सीधे कहा जाए एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त मिले। ठीक है, लेकिन इस समय और टाइमिंग अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर ये रेड जो है वो इस पर जाहिर सी बात है बहुत सारी पॉलिटिकल बातें होंगी, लेकिन जो आप बता रहे हैं जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं वहाँ पर वो ये है कि किसी अन्य जगह पर छापा मारने गए हैं अधिकारी और 10 से 12 इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी घर में मौजूद हैं। ये ताज़ा अपडेट आगरा से दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।